तीनों की नौकरी लग गई, तीनों कुंवारा है, कितना दहेज लीजिएगा? दहेज कैमरा के सामने नहीं बोल रहे हैं? कैमरा के सामने नहीं लेना है, और बाकी लेना है, बाकी का पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। आप लेंगे दहेज? दहेज नहीं लेंगे सर। हाँ, देख लीजिए, जहाँ भी शादी लगेगी, मास्टर साहब बोल रहे हैं हम दहेज नहीं लेंगे। अगर दहेज मांगे तो ये वीडियो दिखाइएगा। खुद ही नहीं मांगेगा, हम कभी मांगेंगे ही नहीं दहेज। जखने हेलो हेलो करिएगा तो उधर से कहेंगे पापा तो आपके दहेज मांग रहे हैं, तो कहिए पापा ना मांग रहे हैं, हम थोड़े मांग रहे हैं। देखिए, आरा जिला के लड़का लोग हैं, इनको सरकारी नौकरी, आज बीपीएससी परीक्षा पास करके मास्टर की नौकरी लिए हैं। क्या नाम हुआ भैया? भागल जा रहे हैं। अरे काहे नौकरे हैं जी, इधर आइए। क्या नाम हुआ? अरे दमखम से टीचर बने, टीचर को पता है कैसे किसी भी रूप में उसको शर्माना नहीं है। बच्चे के सामने गाना गा के भी पढ़ाना है, डांस करके भी पढ़ाना है। जब आप टीचर बन गए तो क्रिएटिव व्यक्ति हो जाते हैं, है ना? आपको अभी ट्रेनिंग मिलेगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। आपको हो सकता है कि गाना गा के, खिला के, कूदा के बच्चों को पढ़ाना होगा। कौन क्लास का बच्चा पढ़ाएंगे आप? 1 to 5 का भी हुआ है। तो 1 to 5 में तो और ज़्यादा, सबसे ज्यादा कठिन काम है 1 to 5 वाला का। पहले 1 to 5 का हुआ था बीपीएससी TRE 1 में, इस बार TRE 2 का 6 to 8 में हुआ है। अच्छा, 6 to 8 में मिडिल स्कूल में, वहाँ पे तो बच्चा आएंगे। मिडिल स्कूल में भी प्राइमरी का बच्चा आता है 1 to 2। हाँ, तब बोलिए कहाँ घर हुआ? घर पड़ेगा मेरा गढ़हनी। गढ़हनी कहाँ बहाल हुए हैं? बक्सर जिला, डुमरा बिहार से मिला अभी। आप भी हैं जी? तो ने कहाँ नौकरी? इधर आइए, साथ में ही भी हैं। आपको भी नौकरी मिली जी? अरे वाह, कितना तनखा मिलेगा? कितना तो सर मिला नहीं है, मिलेगा तो बताएंगे। कितना मिलेगा सुन बताइए जी। अरे उन्हें बोलिए ना कितना मिला, दहेजवा बढ़ जाएगा जी। शादी हो गया है जी? शादी नहीं हुई। आपकी शादी हुई है? किसी का नहीं हुआ है। आइए, आपका तो हो गया जी। फोटो, फोटो, फोटो। देखिए इधर आ रहा है, सभी आ रहे जिला के जी? सब आ रहा जिला। आ, सब तीनों की नौकरी लग गई, तीनों कुंवारा है, कितना दहेज लीजिएगा? दहेज कैमरा के सामने नहीं बोल रहे हैं? कैमरा के सामने नहीं लेना है, और बाकी लेना है, बाकी का पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। आपका? दिलीप कुमार चौधरी। दिलीप कुमार चौधरी, मैंने कैमरा के सामने दहेज नहीं लेंगे? नहीं, वीडियो वायरल हुआ इसीलिए हम पूछ रहे। बीपीएससी से मास्टर बन गए और उसके बाद जिससे शादी लगल थी बोल दिया ना करेंगे अब? नहीं हुआ बाहर? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लेंगे दहेज? दहेज नहीं लेंगे सर। हाँ, देख लीजिए, जहाँ भी शादी लगेगी, मास्टर साहब बोल रहे हैं हम दहेज नहीं लेंगे। अगर दहेज मांगे तो ये वीडियो दिखाइएगा। खुद ही नहीं मांगेंगे, हम कभी मांगेंगे ही नहीं दहेज। फिर आप कहिएगा बाबू जी मांग रहे हैं। वो समझे ना, घर वाले समझे। गजब बात है मास्टर साहब। देखिए, जखने हेलो हेलो करिएगा तो उधर से कहेंगे पापा तो आपके दहेज मांग रहे हैं, तो कहिए पापा ना मांग रहे हैं, हम थोड़े मांग रहे हैं। हाँ बोले जी, खस के मास्टर साहब है तो संदेश दीजिए। हाँ, हम लोग यही संदेश देना चाहते, जैसे दहेज के जो प्रथा है ना, बहुत मैंने समाज में एक बहुत ही गलत प्रथा है, इसको हम लोग इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, गंभीर विषय है, कि अगर किसी की शादी लग गई, अब बीपीएससी से नौकरी हो गई, तो फिर दहेज के लिए शादी रुक जाएगी जी? पकड़ के कर दिए तो इसलिए आप चूंकि अब मास्टर बन गए तो सरकार का हिस्सा हो गया जी। जी जी, अब सरकार का राजकर्मी का दर्जा है आप लोग का, तो सरकार के योजनाओं को पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार नहीं बोले थे कि दहेज मुक्त विवाह? तो कैसे दहेज मुक्त विवाह होगा जब आप ही लोग दहेज लीजिएगा और कहिएगा कैमरा के सामने नहीं लेंगे, पीठ पीछे लेंगे? कैमरा के सामने भी नहीं लेंगे, पीछे भी नहीं लेंगे। हाँ, ये बताइए कहाँ उस समय बोले? उस समय बोल रहा था तब तक माइकवा हटा दिया ना। माइकवा कहाँ हटाए जी, अभी आप फंसे हैं। आपका कौन स्कूल में हुआ है? मेरा अरवल में हुआ है। अरवल में कौन स्कूल, मतलब हाई स्कूल? अभी स्कूल 15 तारीख को सुनिए, मिडिल सब लोग 6 to 8 सब डीएलएड साथ किए बोल रहे थे। कब किए डीएलएड? हम लोग 2020 से 22 सेशन है हम लोग का, 22 में एक एक साल पहले डीएलएड किए, तुरंत झट नौकरी। सब लोग का 1 to 5 में भी हुआ था, फिर सब लोग का 6 to 8 में हुआ। ओए उसमें भी, ओए इसमें भी, मतलब पहले वाला हुआ था, अब उसको टीआरई 1 में भी हुआ था, अब टीआरई 2 वाला आया था। टीआरई क्या होता है बताइए? टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। अच्छा, टीआरई 1 टीआरई 2 जी। अच्छा, उसमें 1 to 5 में हम लोग हुआ था, इस बार हुआ 6 to 8 में हो गया है। अब 6 to 8 का टीचर हो गया। आपका कहाँ ज्वाइनिंग लेटर दिखाइए? उधर दिखाएगा तो ना घर में, आपसे आपसे घर वालों तो मम्मी का तो हम परेशान हो गए, पूरी सब्जी खिला खिला के, जल्दी अगर ब्याह करा देने तो रोज लड़की वाला आ रहा है। बहुत बढ़िया, आपको भी होंगे। चलिए दहेज वहेज नहीं लीजिएगा, हो नहीं, 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 अब कहीं शादी लगल है तो दहेज के लिए शादी नहीं रोकिएगा, नहीं तो पकड़ा हुआ विवाह हो जाता है, देखते हैं। कर दिया था ना सेल्फी? सेल्फी लाइए ना, हम ले लेते हैं। आइए, चलिए सब मास्टर साहब को बधाई, बहुत बहुत बधाई। जाइए पढ़ाइए मस्ती से और तैयारी कीजिए। हाई स्कूल, प्लस टू, कॉलेज,
नेट उट का एग्जाम दीजिए, पीजी किए हैं? नहीं सर, नहीं, ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है तो ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी करिए, लक्ष्य रखिए कि कॉलेज में पढ़ाइए, जिस क्षेत्र में उसमें टॉप में रहिए। क्या है कि नहीं, मास्टर का क्या काम, आप बस डिग्री बटोरिए और वहाँ नेट उट की तैयारी कीजिए, जेआरएफ सीधे प्रोफेसर का पढ़ना और पढ़ाना। हाँ, मतलब टीचर का जॉब है, सब दिन पढ़ते रहना है, और सबसे मुश्किल काम है बच्चा 1 to 5 वाला पढ़ाना है ना, अक्षर ज्ञान कराना सबसे मुश्किल काम है, बच्चा को बोलना सिखाना सबसे मुश्किल काम है, बाद में क्या बोलना है नहीं बोलना है सिखाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अक्षर ज्ञान शब्द ज्ञान कराना बेस है, बच्चा का वही बेस है। हाँ, बेस जब मजबूत नहीं तो आप लोग प्राइमरी स्कूल में गए हैं, मिडिल स्कूल भी उसमें बच्चा भी आएगा छोटा छोटा। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कैसे लगी बातचीत? आए लावा सेल्फी ले, अभी टीचर बने हैं जी? नहीं नहीं, बनिए जाइएगा। चलिए प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब, घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।